हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए लेक्चर में जो है फ्लूड मैकेनिक्स का। तो फ्लूड मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के ही सिलेबस में अकुपाई करता है। फ्लूड मैकेनिक्स चैप्टर जो है, फ्लूड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, मैकेनिकल और सिविल दोनों में ही आता है। अगर हम बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब 7 से 8 मार्क्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उतना ज़्यादा बहुत मायने रखता है। और अगर बात करें SSC JEE का, RRB JEE जो अभी निकला है रेलवे का, और स्टेट JEE का एग्ज़ाम होगा, स्टेट JEE का एग्ज़ाम होगा, और सारे जितने भी सारे एग्ज़ाम है ना, उसमें फ्लूड मैकेनिक्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और फ्लूड मैकेनिक्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को। धीरे धीरे देखेंगे कि फ्लूड मैकेनिक्स को पढ़ना कैसे है, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनाएंगे सब्जेक्ट को। तो इसमें मेनली दो टर्म आ रहा है, फ्लूड और मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप लोग पहले से ही जान रहे हो कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, ट्वेल्थ से ही आप पढ़ते आ रहे हो या फिर और स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हो कि मैकेनिक्स क्या होता है। उस समय आप बेसिक पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स जो है वो साइंस का एक पार्ट है, एक तरह से एक फिजिकल साइंस बोल सकते हैं, एक तरह से फिजिकल साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग फोर्स का स्टडी करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स का स्टडी करेंगे, अगर मोशन में है तो फोर्स का स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द फोर्सेस विच स्टडी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फोर्सेस आइदर द बॉडी आर इन रेस्ट और इन अ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहा है वो चीज़ का स्टडी करेंगे। अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में जा रहा है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगेगा, उसका क्या बिहेवियर हो गया उस बॉडी का, वो सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स में डिस्कशन करेंगे। तो मैकेनिक्स का ही पार्ट है फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स मतलब फ्लूड के ऊपर में जो जो फोर्स लग रहा है, अगर फ्लूड रेस्ट में है तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, अगर फ्लूड मोशन में है तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, मतलब ओवरऑल स्टडी ऑफ फ्लूड, ओवरऑल स्टडी ऑफ फ्लूड ऑन और उस पर जो जो फोर्स लग रहा है उस फ्लूड के ऊपर में, वो स्टडी करना फ्लूड मैकेनिक्स है। फ्लूड के बारे में पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे और मैकेनिक्स के बारे में तो अभी देख लीजिए कि बस सिंपल याद रखना है कि फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो रेस्ट में है और मोशन में है तो उसको बोलेंगे मैकेनिक्स, और फ्लूड से रिलेटेड अगर है तो फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड क्या होता है ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्लूड मैकेनिक्स आपको पता चल गया होगा फ्लूड क्या होता है ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो मैकेनिक्स इसका अगर हम इंपोर्टेंस का बात करें, फ्लूड मैकेनिक्स का इंपोर्टेंस का बात करें, तो डे टू डे लाइफ में भी फ्लूड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फ्लूड मैकेनिक्स जितना भी नेचर में चीज़ें हो रही है ना, सब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये फ्लूड मैकेनिक्स ही है। सांस क्या है, जो मेरा ब्लड है वो एक टाइप से फ्लूड है। फ्लूड को डिफाइन करेंगे हम अभी। फ्लूड है वो क्या, हम अंदर ले रहे हैं अंदर छोड़ रहे हैं, फ्लूड का फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फ्लूड मैकेनिक्स। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी एटमोसफेयर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हमारे बॉडी के ऊपर में, प्रेशर बोल रहे हैं, स्ट्रेस नहीं बोल रहे हैं, इसलिए प्रेशर बोल रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है। जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी होता है, एक्सटर्नली फोर्स। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। तो प्रेशर जो हमारे चारों तरफ से जो एटमोसफेयर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हमारे बॉडी के ऊपर में, वो क्या है, फ्लूड मैकेनिक्स है। वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स पे ही वो काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे हम लोग स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करते हैं खेत वेत में, वो क्या है, फ्लूड मैकेनिक्स ही है। वाटर सप्लाई हो रहा है यहाँ से लेके, मान लीजिए कहीं दूर पे वाटर सप्लाई करना है, वो किस पे, किस सिद्धांत पे काम करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। तो जितना भी चीज़ आप देख रहे हो ना, जितना इंपॉर्टेंस इसका है, ये सारा डे टू डे लाइफ में भी इसका फ्लूड मैकेनिक्स का एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंस है। और अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पहले ही बता दिए फ्लूड मैकेनिक्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है। फ्लूड मैकेनिक्स में बहुत सारे लॉ का डेवलप किया गया है, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, इलर्स थ्योरम हो गया, लैग्रेंजेस थ्योरम हो गया, और भी बहुत सारे टर्म जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स। तो फ्लूड मैकेनिक्स का डिफिनीशन भी लिखा देते हैं, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन द फ्लूड्स आर रेस्ट और इन मोशन। जब फ्लूड रेस्ट में रहेगा तो क्या बिहेव करेगा, अगर फ्लूड मोशन में रहेगा तो क्या बिहेव करेगा,
वो चीज देखेंगे, मोशन विथ और विदाउट, विथ और विदाउट कॉजिंग द फोर्स। मोशन में है तो वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, विदाउट फोर्स। मोशन में है विथ फोर्स क्या बिहेवियर शो कर रहा है, ये चीज देखेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो कुछ नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड आर इन रेस्ट और इन मोशन विथ और विदाउट कॉजिंग द फोर्स, फोर्स के साथ और फोर्स के बिना एक बार वो फ्लूइड क्या बिहेव कर रहा है, ये चीज के बारे में देखेंगे। अब इसी को हम लोग पार्ट में बांट दिए हैं, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके चीजों को आसान करने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं तीन पार्ट में। तो फ्लूइड स्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स मतलब स्थिर है। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसके बिहेवियर क्या शो कर रहा है, वो फ्लूइड स्टैटिक में देखेंगे। व्हेन द फ्लूइड द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, वो क्या है फ्लूइड स्टैटिक, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाएगा। अब ये कौन सा चीज है जो इस टाइप इसमें आ सकता है, फ्लूइड ऑफ बोल दिया हम यहाँ पे द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, उसमें हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे सिविल में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक आप लोग देखा होगा सिटी मतलब हर जगह पे एस्टेब्लिश होता है, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन इसका रहता है। तो ओवर हैंड टैंक में क्या होता है, पानी स्थिर रहता है, पानी जब स्थिर है उतना ऊपर में जहाँ से हम लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं ओवर हैंड टैंक का, तो वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर वो फ्लूइड कौन कौन सा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो, रेस्ट में है तो वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर में, दैट कम्स अंडर द फ्लूइड स्टैटिक्स। तो एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओवर हैड टैंक। आप बोलोगे ना कि सर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आप तो बता देंगे डे टू डे लाइफ में, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरहेड टैंक आप कंस्ट्रक्ट अगर कर रहे हो तो वो ओवरहेड टैंक में पानी रहता है, वो क्या है, वो फ्लूइड के अंदर में आता है। तो वो फ्लूइड उस स्ट्रक्चर के ऊपर में क्या फोर्सेस एग्जर्ट कर रहा है, वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, वो चीज का अगर हम स्टडी करेंगे तभी तो ये ओवरहेड टैंक का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका कितना थिकनेस होना चाहिए, कितना रिइंफोर्समेंट होना चाहिए, वो कैसे हम लोग देखेंगे, जब हम देखेंगे कि उसके अंदर से कितना फोर्स उस स्ट्रक्चर के ऊपर में ला रहा है, तो फोर्स हम एनालाइज कर लिए, उसके बाद क्या कर देंगे, डिजाइन करेंगे ओवरहेड टैंक का। इसके बाद आ जाएगा डिजाइन ऑफ डैम भी आपका हो जाएगा, कभी कभी क्या कहता है डैम में पानी स्थिर रहता है, डिजाइन ऑफ डैम, ये सब फ्लूइड स्टैटिक्स में आ गया। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे तो इसको भी मिटा दे रहे हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर इन ए मोशन द फोर्सेस काउजिंग दैट मोशन इज नॉट कंसिडर। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर इन मोशन, The forces causing the motion is not considered. The forces causing the motion is not considered. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर इन अ मोशन। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या दिखा था, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर एट रेस्ट, ओवरहेड टैंक आ गया था, डिजाइन ऑफ डैम आ गया था, वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आ गया था। डायनेमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर इन मोशन, लेकिन फोर्स जो उस पे लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो आ जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एग्जांपल में आप सोचिए क्या क्या आ जाएगा, आप खुद बताइए हमको इसमें क्या आएगा। देखिए फ्लूइड मैकेनेमेटिक्स में वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, ये सारा चीज जब हम फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका क्या बिहेवियर है,
उसका क्या बिहेवियर है, जैसे फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो फ्लूड काइनेमेटिक्स के अंदर में आता है। तो एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, फोर्स नहीं बोल रहे हैं, फोर्स यहाँ पे नॉट कंसिडर लिख दिया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रेट ऑफ फ्लो ड्यूरिंग पाइप फ्लो। पाइप के अंदर अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसका क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे, फ्लूड काइनेमेटिक्स के अंदर में देखेंगे। समझ में आ गया क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, ये भी चीज हम बताते चल रहे हैं आप लोग को। तीसरा नंबर आ गया फ्लूड डायनेमिक्स, समझ में आ गया वही, इसको हम मिटा रहे हैं। फ्लूड डायनेमिक, फ्लूड डायनेमिक इसका क्या मतलब है, फ्लूड डायनेमिक्स इसका बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन द फ्लूड आर इन मोशन द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर कंसिडर। समझ में आ गया होगा, मतलब फ्लूड अगर मोशन में है तो उसको स्टडी करेंगे और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके साथ साथ, फ्लूड काइनेमेटिक्स में क्या बोले थे, द बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन दे आर इन अ मोशन द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर नॉट कंसिडर, ये फ्लूड काइनेमेटिक्स में बोले थे। लेकिन फ्लूड डायनेमिक्स में क्या होगा, द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर कंसिडर, वो फोर्स जो है वो कंसिडर होगा इसमें। तो लिख देते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन दे आर इन मोशन द फोर्सेस। थोड़ा बहुत सेंटेंस में हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इस पर थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर कंसिडर, इसको क्या बोलेंगे, फ्लूड डायनेमिक्स बोलेंगे। देखिए डिफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्या है सब में तो वही चीज आ रहा है ना, कि बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन दे आर इन रेस्ट व्हेन दे आर इन मोशन द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर कंसिडर द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर नॉट कंसिडर, यही चीज है। तो याद भी करने का इसमें कोई जरूरत नहीं है डिफिनेशन को। तो डायनेमिक्स स्टैटिक में हो गया व्हेन द फ्लूड आर इन रेस्ट, काइनेमेटिक्स में हो गया व्हेन द फ्लूड आर इन रेस्ट द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर नॉट कंसिडर, डायनेमिक्स में क्या हो गया, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूड व्हेन दे आर इन मोशन द फोर्सेस काउजिंग द मोशन आर कंसिडर। अब बोलोगे सर इसका यूज कहाँ होगा, यूज हम बताएंगे कहाँ होगा, तो इसका जो यूज होगा टरबाइन में आपने देखा होगा, जो फोर्स लग रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, फोर्स एग्जर्टेड बाय द रनर ऑन द ब्लेड रनर, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना टरबाइन में, पढ़ेंगे तो सब डिटेल में देखेंगे। तो क्या फ्लूड डायनेमिक्स में टरबाइन के बारे में पढ़ रहे हो, पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल, ये सब क्या है, ये सब जितना भी टर्म है ये फ्लूड डायनेमिक्स के अंदर में आता है, उसमें हम लोग फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। तो ये चीज हो गया मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये दोनों, ये जितना भी तीन चीज़ लिखे, कोई मशीनरी से रिलेटेड है, मशीनरी में जो फ्लूड यूज कर रहा है वो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है उस मशीनरी के ऊपर में, वो सारा चीज़ का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये सारा चीज़ जो है वो मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा कि फ्लूड को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करके हम लोग फ्लूड को स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये किया गया है, फ्लूड स्टैटिक काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, कि ये पार्ट वाइज हो जाएगा, हम लोग एनालाइज अच्छे से करेंगे, जब जैसे हम लोग एनालाइज करेंगे तभी तो उस चीज़ को हम लोग डिजाइन करेंगे, चाहे वो मशीन डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, ओवरहेड टैंक के ऊपर में कितना फ्लूड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जब हम लोग वो जानेंगे तभी तो हम लोग उसको डिजाइन करेंगे कि कितना थिकनेस होगा, कितना रिइंफोर्समेंट होगा, कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम तीन चीज को डिस्कशन करने के बाद फ्लूड के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, फ्लूड के बारे में, व्हाट इज फ्लूड, फ्लूड क्या है, फ्लूड नाम से लग रहा है कि पानी, उसको फ्लूड बोलेंगे, आप बोलोगे कि वाटर को पानी को हम लोग फ्लूड बोलेंगे, तो ये बोलना आपका गलत है, वाटर और गैस दोनों को हम लोग फ्लूड बोलेंगे, वाटर लिक्विड एंड गैस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लूड का लिटरली जब मीनिंग बोलेंगे ना तो ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसको फ्लूड बोलेंगे, लिटरली टेक्निकली नहीं बोल रहे, लिटरली क्या होगा, लिटरली जो मीनिंग है इसका, लिटरली
डिक्शनरी में द सबस्टांस विच कैन फ्लो, द सबस्टांस विच हैज कैपेबिलिटी टू फ्लो, कैपेबिलिटी टू फ्लो, लिटरली अगर मीनिंग देखे तो उसका क्या आता है, जो फ्लो करता है, जो फ्लो करता है उसको फ्लूड बोलेंगे, जो फ्लो करता है उसको फ्लूड बोलेंगे। मान लीजिए ये इसको हम बोल रहे हैं, ये फ्लूड है, ये डस्टर है, इसे फ्लूड है, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये फ्लो कर रहा है, इस पर फोर्स दे रहे हैं तो भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये फ्लूड सॉलिड जो मटेरियल है, सॉलिड चीज जो है वो फ्लूड नहीं हो सकता है। लिक्विड पानी आप रख दे तो वो फ्लो करेगा, अगर आप गैस होता है तो वो फ्लो करेगा। तो ये लिटरली मीनिंग है, टेक्निकली क्या है, टेक्निकली ये है, लिक्विड प्लस गैस को बोलेंगे, और अगर हम उस पर सीयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस डिफॉर्म करे, इसको बोलेंगे फ्लूड। फ्लूड किसको बोलेंगे, फ्लूड, फ्लूड इज ए सब्सटेंस विच अंडरगोज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आफ्टर सीयर स्ट्रेस इज अप्लाइड, आफ्टर सीयर स्ट्रेस इज अप्लाइड। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड और गैस बोल दिया कि फ्लूड है, ठीक है, लिटरली हम बोल रहे हैं कि सब्सटेंस विच हैज कैपेबिलिटी टू फ्लो, जो मतलब जो फ्लो करता है उसको बोलेंगे फ्लूड, ठीक। तो डिफिनीशन क्या हुआ, फ्लूड इज ए सब्सटेंस, जैसे सॉलिड कोई बॉडी है, ये अगर सॉलिड मटेरियल है, इस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा इस तरह से, ये डिफॉर्म होगा, ये लिक्विड है, इस पर हम लोग अगर सीयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये ले लिए लिक्विड का एक एलिमेंट ले लिए, क्योंकि लिक्विड तो भरते रहता है ना, तो ये इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते रहेगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते जाएगा, ये कंटिन्यूसली, मान लीजिए एक दो तीन, ये इस तरह से डिफॉर्म हो गया। मतलब अगर हम लोग फ्लूड के ऊपर में सीयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, जबकि सॉलिड के ऊपर में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें तुरंत डिफॉर्मेशन होगा और फिर से वो अपने पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फ्लूड को समझने के लिए हम लोग सॉलिड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सॉलिड ऐसा सब्सटेंस है जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो उसमें डिफॉर्मेशन होता है और वो अपने पोजीशन को फिर से रिकवर करता है, जबकि फ्लूड जो होता है, फ्लूड ऐसा सब्सटेंस है जैसे हम लोग उस पर सीयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, पानी बह रहा है तो सीयर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीयर ही अप्लाई करके उसका डिफॉर्मेशन करा सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, कुछ उतना डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीयर स्ट्रेस अप्लाई करके। अगर फ्लूड जो है, पानी है, अगर रेस्ट कंडीशन में है, पानी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, तो वो फ्लो कहाँ करेगा, नहीं करेगा। अगर फ्लूड पे हम सीयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं, ये लेयर वाइज है, एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, सीयर स्ट्रेस एग्जर्ट कर रहा है, तो वो इसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लूड में जो होता है, फ्लूड में यहाँ पे जो बात आता है वो रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन, जबकि सॉलिड में सिर्फ स्ट्रेन होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन मतलब टाइम के साथ वो चेंज, रेट मतलब क्या, स्ट्रेन टाइम के साथ क्या हो रहा है, और बढ़ते जा रहा है या फिर टाइम के साथ चेंज करते जा रहा है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, सॉलिड में एक बार ये होगा और फिर से अपने पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश करेगा, हो सकता है करे या ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन वो रिकवर करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, dv/dy। ये चीजें हम बाद में देखेंगे, बस हम ऐसे ही बोलते हैं कि फ्लूड, हम समझा रहे थे कि फ्लूड का डिफिनेशन क्या होता है, फ्लूड इज ए सब्सटेंस विच अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज सीयर स्ट्रेस इज अप्लाइड। और क्या बोल सकते हैं, सॉलिड जो है वो, उस पर अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, वो अपने पोजीशन को रिगेन करेगा, लेकिन फ्लूड क्या होता है, जैसे ही उस पर डिफॉर्मेशन होगा वो अपने पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा, वो उस डिफॉर्मेशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, उसमें वो परमानेंट हो गया, वो परमानेंट उधर चला गया। तो सॉलिड और फ्लूड में यहाँ पे ये डिफरेंस पता चला कि इसमें स्ट्रेन होता है, इसमें रेट ऑफ स्ट्रेन होता है। फ्लूड जो है वो जीरो मेमोरी सब्सटेंस है, उसमें मेमोरी नहीं है उसके पास, वो अपना पोजीशन को रिगेन नहीं करता है, लेकिन सॉलिड जो है वो पोजीशन को अपना रिगेन करता है। तो फ्लूड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया, थोड़ा बहुत क्या मतलब, क्लियरली पता चल गया कि सब्सटेंस विच अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज सीयर स्ट्रेस इज अप्लाइड, या फिर लिक्विड और गैस दोनों को कॉम्बिनेशन को, दोनों को ही हम लोग फ्लूड बोलते हैं, जो जिसके पास कैपेसिटी है फ्लो करने का उसको बोलेंगे फ्लूड, ठीक।
आई थिंक अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्लूड में किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इंटरव्यू में भी पूछेगा फ्लूड के बारे में, आपको फंसाने का हर तरीका से कोशिश करता है कि सॉलिड में स्ट्रेन कैसे होता है, फ्लूड में रेट ऑफ स्ट्रेन कैसे होता है, आप बताइए, और ये इस तरीके से बोलेगा आपको। तो एक डिफिनीशन और लिख दीजिए, जो टेक्निकल डिफिनीशन है, जो टेक्निकल डिफिनीशन है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फ्लूड इज ए सबस्टांस, फ्लूड इज ए सबस्टांस विच अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं, कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज सियर स्ट्रेस इज, सीयर स्ट्रेस इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो पानी जो फ्लो करता है वो लेयर वाइज फ्लो करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो सीयर स्ट्रेस एग्जर्ट कर रहा है। तो सीयर जो होता है वो लेयर वाइज होता है, मतलब सीयर स्लाइड एक्शन के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं सीयर स्ट्रेस, उसके कारण लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूड। ठीक है, फ्लूड के बारे में आपको सही से पता चल गया होगा। ठीक, ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। मैकेनिक्स के बारे में भी पता चल गया कुछ कुछ, जिस टर्म में हम लोग डिवाइड करके मैकेनिक्स को फ्लूड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे वो चीज़ भी पता चल गया, क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पता चल गया। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ देखते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मैटर का नाम आपने को सुना होगा, पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है ना उसको मैटर से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वो एक टाइप का मैटर है, पदार्थ है। तो वो मैटर जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मैटर जस्ट जो पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है उसको मैटर में डिवाइड किया गया, उसको बोलते हैं कि मैटर है, वो पदार्थ है एक तरह का। वो पदार्थ तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तीन पदार्थ में डिफाइंड किया हम लोग, तीन चीज़ में डिफाइंड किया, क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोहेसिव फोर्स, इंटरमोलेकुलर कोहेशन, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीन चीज में डिफाइन किए हैं। मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, मैटर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन ये क्लासिफाई जो हुआ है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, डिपेंडिंग अपॉन इंटरमोलेकुलर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है। सॉलिड लिक्विड और गैस को हम लोग इंटरमोलेकुलर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के रूप में देखें, हम यहाँ पे एक जगह सॉलिड लिख दे रहे हैं, एक जगह लिक्विड लिख दे रहे हैं, इसका पूरा लिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, क्योंकि लिखाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाए। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड क्या होता है, इंटरमोलेकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें ज़्यादा होता है, जब इसमें कोहेसिव फोर्स जो होता है सॉलिड में, इंटरमोलेकुलर्स आर क्लोजली स्पेस्ड, इसमें डिफिनिट शेप होता है, सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, मेटल हो गया, ये मेरा जो मार्कर है वो हो गया आपका, वुड का कोई पदार्थ हो, ये वुड हो गया ATC, तो ये आपका सॉलिड में आ गया। लिक्विड में क्या बोलेंगे, इंटरमोलेकुलर फोर्स आर लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आर लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, ये लिक्विड में हो गया, ठीक है। इसका शेप जो होता है वो जिस शेप में आप रखोगे उसी शेप में हो जाएगा, नो डिफिनिट सब होता है, ये एक्वायर कर लेगा वही शेप का, जिस शेप में आप रखोगे, जिस कंटेनर में आप रखोगे वो उसी का एक्वायर करेगा। ये जो चीज़ होता है लिक्विड, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल इन नेचर हो सकता है, मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल, इसलिए हम इसमें बोले कि इनकम्प्रेसिबल होता है। और जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, बहुत सारा मतलब कुछ एक बड़ा कंटेनर में भी रख सकते हैं गैस को, और मान लीजिए 5 किलो गैस है उसको एक बड़ा कंटेनर में भी रख सकते हैं, उसको कंप्रेस करके छोटा कंटेनर में भी रख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर इस रूम में, हम जिस रूम में अभी वीडियो बना रहे हैं उस रूम में अगर हम गैस खोल देते हैं तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन इसी वही गैस को अगर हम छोटा कंटेनर में रखेंगे तो वो भी हो जाता है, वो क्या हो सकता है, कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, ये ठीक हो गया। लिक्विड में फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस का हमने बताया, फ्री सरफेस,
फ्री सरफेस सबसे ऊपर, पानी के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस, फ्री सरफेस, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है। गैस में नो फ्री सरफेस होता है, नो फ्री सरफेस। इसमें भी होगा, नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर लेस होगा इसमें, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर लेस। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस का होगा। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर लेस होगा इसमें, सबसे ज्यादा होगा क्लोजली और लिक्विड में उससे कम होगा। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, इसमें नो डिफिनिट शेप होगा, इसमें वही शेप हो जाएगा, इसमें भी नो डिफिनिट शेप होगा, वो वही शेप एक्वायर कर लेगा जिस कंटेनर में हम रखेंगे। इसमें क्या एग्जांपल आ गया, एयर हो जाएगा एग्जांपल है। मेन जो चीज़ आता है अभी हम लोग देखेंगे, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स का थ्योरी है ये सब इसी चीज़ पर आधारित है, ये इस चीज़ को एज्यूम किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, या फिर कंटिन्यूस मीडियम, कंटिन्यूस। जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स का सिद्धांत है ना, जितना भी प्रिंसिपल है, जितना भी लॉ है, वो सब इसको फॉलो करता है। ये बोलता है कि मेरा जो लॉ है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को सेटिस्फाई कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई माय लॉ, देन यू कैन अप्लाई माय थ्योरी। मैं जो भी उसको वो अपना थ्योरी दिया है वो इस लॉ को फॉलो करके ही थ्योरी दिया हुआ है। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, इसका सिंपल एंड सीधा आंसर है, नो वॉइड एंड नो फ्री स्पेसेस आर प्रेजेंट इन द मीडियम, no void and no free spaces are present, no void, no free space are present। no concept of continuum का मतलब no void and no free spaces are present। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी मैटर बना हुआ है, कोई भी मैटर अगर बना हुआ, मैटर हम किसको बोले, दुनिया में जितना भी चीज़ दिख रहा है सब मैटर है, मैटर है, उसी को हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किए हैं। तो जितना भी मैटर है ना वो मोलेकुल्स का कम्बिनेशन है, मोलेकुल्स, मोलेकुल्स, वो मोलेकुल्स है, वो क्लोजली स्पेस्ड होके एक दूसरे से चपक के वो मैटर बना हुआ है। जैसे क्या है, ये मान लीजिए जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बोर्ड क्या है, वो छोटा 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 मोलेकुल्स का एक दूसरे से कम्बिनेशन है। ये डस्टर क्या है, ये चौक, सॉरी ये जो मार्कर है ये क्या है, ये भी एक दूसरे से, मतलब एक छोटा 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 मोलेकुल्स का बना हुआ। मेरा बॉडी क्या है, छोटा 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 मोलेकुल्स का बना हुआ। तो जितना भी मैटर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोलेकुल्स है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है कि उस मैटर में कोई वॉइड, कोई स्पेस, फ्री स्पेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक सॉलिड बॉडी को कंसिडर किए, एक सॉलिड बॉडी को कंसिडर किए, सॉलिड है मान लीजिए, कोई मेटल ही है। ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है, जो मेरा जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स का लॉ है वो इसी पे आधारित है। वो बोलता है कि इस जो सॉलिड है इसमें हम मान लिए हैं कि इसमें कोई फ्री स्पेस या वॉइड प्रेजेंट नहीं है, फ्री स्पेस और नो फ्री स्पेस, नो वॉइड इज प्रेजेंट इन द सॉलिड। उसी तरह लिक्विड का अगर कोई मटेरियल है, लिक्विड अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लिक्विड बह रहा है, तो ये हम नहीं मान रहे हैं कि लिक्विड के अंदर में कहीं पे भी फ्री स्पेस, नो फ्री स्पेस हम अज्यूम कर रहे हैं, नो फ्री स्पेस, नो वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। जैसे क्या, अगर सॉलिड है मान लीजिए, यहाँ पे सॉलिड का छोटा छोटा टुकड़ा हम एक दूसरे से सजा दिया, इस तरह से एक दूसरे में सजा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉइड प्रेजेंट हो गया ना। तो वो चीज का रहना कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बोलता है कि वो चीज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इस सॉलिड में। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लॉ जो है वो लिक्विड और गैस पे ही अप्लीकेबल है, वो सॉलिड के लिए हम नहीं। अब हम लोग एक गैस में भी नहीं होता है फ्री स्पेस और प्रेजेंट नहीं होता है, उसी के लिए हम लोग कुछ करेंगे, देख रहे हैं क्या करना है, उसी को हम लोग वैलिड करवाने के लिए मेरा एक जो साइंटिस्ट है न्यूडसेन नंबर, न्यूडसेन जो नंबर दिया है उस साइंटिस्ट ने, तो उसी के से हम लोग पता चलता है कि कौन से में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है और किस में नहीं है। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि जितना भी हम आप देख रहे हो मैटर, वो सॉलिड लिक्विड और गैस, वो मोलिकुल्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें मोलिकुल्स को मिला के। तो कैसे, ये एक हाइपोथेसिस लॉ बोलता है कि 6.023 × 10³ (22.4 liter) मतलब 22.4 लीटर में इतना मोलेकुल्स प्रेजेंट होता है, 22.4 लीटर लिक्विड में इतना मोलेकुल्स प्रेजेंट होता है। आप अगर इसको एक मीटर क्यूब में निकालोगे तो क्या होगा, 6.023 × 10³ (23) / 22.4, ये किस में आ गया,
ये आ गया एक लीटर का वैल्यू आ गया। अगर एक मीटर क्यूब निकालोगे, एक लीटर इंटू द पावर माइनस थ्री, वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, ये नीचे जाएगा, मतलब एक मीटर क्यूब हो जाएगा टेन टू द पावर थ्री। ये इतना मोलिकुल्स, इतना मोलिकुल्स प्रेजेंट होता है एक मीटर क्यूब स्पेस में। मतलब इसका अगर आप निकालोगे तो, इसका अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका करीब करीब 2.7 इंटू टेन टू द पावर 25 मोलिकुल्स। एक मीटर क्यूब में इतना मोलिकुल्स प्रेजेंट रहता है। तो वो मोलिकुल्स एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड रहता है। अगर क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वही चीज़ बोलता है कि नो वॉइड एंड नो फ्री स्पेसेस आर प्रेजेंट। ये डिफाइन करने के लिए लिक्विड में हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड में होगा ऐसा वैलिड, लेकिन उसके लिए भी नूडसेन नंबर जो है उससे हम लोग चेक करेंगे। अब नूडसेन नंबर क्या है? ये डायमेंशनलेस नंबर है, नूडसेन नंबर। नूडसेन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को फॉलो कराने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को चेक करने के लिए नूडसेन नंबर आया है। गैस जो होता है उसमें खासकर उसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। वो किस पे आधारित है? मोलेकुलर थ्योरी पर आधारित है। इन्हें गैस मोलेकुलर थ्योरी पे बेस्ड है, मोलेकुलर थ्योरी पे वो बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो है वो मोलेकुलर, तो उसके लिए नूडसेन नंबर आया है। नूडसेन नंबर। अब नूडसेन नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो नंबर है वो डायमेंशनलेस नंबर है। नूडसेन नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा, नूडसेन नंबर इक्वल्स टू होता है लेमडा बाई एल। इसी नंबर के आधार पे हम ये पता करेंगे जो मेरा गैस सिस्टम यूज कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लॉ को अप्लाई करवाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वैलिड करता है कि नहीं करता है। देखिए, हम इस चीज़ पे इसे फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पर। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में डिटेल में चर्चा कीजिए आप। तो इसीलिए नूडसेन नंबर, हम नूडसेन नंबर पे हम लोग गैस में, लिक्विड में खासकर हो जाता है, गैस के लिए मोलिकुलर थ्योरी होता है, वो नूडसेन नंबर को डिफाइन करता है। लेमडा बाई एल, लेमडा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, लेमडा जो होता है वो मीन फ्री लेंथ होता है, मीन फ्री लेंथ। और एल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, ठीक है। मीन फ्री लेंथ क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन मोलिकुल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिकुल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, टू मोलिकुल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो मीन फ्री लेंथ होता है। टू मोलिकुल्स के बीच में स्ट्रक्चरल एवरेज डिस्टेंस, स्ट्रक्चरल एवरेज डिस्टेंस टेबल बाय द सेम फ्लूड, सेम फ्लूड बिटवीन कोलिनियर। तो मीन फ्री लेंथ जो होता है वो दो मोलिकुल्स के बीच में कितना लेंथ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पाइप फ्लो कर रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन क्या है, डायमीटर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन क्या है, ये इसका साइज है। मतलब जो किसी भी चीज़ का वैसा साइज जो उसको डिफाइन कर रहा है कि वो उतना साइज का है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। तो उसी इसी मीन फ्री लेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन के बेसिस पे ही हम लोग नूडसेन नंबर निकालते हैं, और उसी नूडसेन नंबर से ये पता चलता है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वैलिड करता है कि नहीं करता है। तो मीन फ्री लेंथ पता चल गया, स्ट्रक्चरल एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिकुल्स, मीन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो वैसा डायमेंशन जो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। जैसे इसका डायमेंशन क्या है, ये इतना डायमीटर का है, ये डिफाइन कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये क्या है, लेमडा बाई एल, लेमडा बाई एल अगर लेस देन 0.01 है तो वो क्या है, लेमडा बाई एल तो फॉर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, फॉर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट। इसको हम ऊपर में लिख देते हैं मिटा के बढ़िया से। इसी पे आधारित है लेमडा बाई एल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में भी। लेमडा बाई एल अगर लेस देन 0.01 है तो वो क्या कर रहा है, वो फॉर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, मतलब वैलिड है यहाँ पे कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। लेमडा बाई एल अगर 0.1 से ज्यादा होगा, 0.01 से ज़्यादा होता है और 0.1 से कम होता है तो वहाँ पे स्लिप फ्लो कंडीशन होता है। स्लिप फ्लो, फ्लो जो होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, स्लिप फ्लो हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0. ये हो गया स्लिप फ्लो हो गया। इसके बाद अगर 0.01 से ज़्यादा होता है, मतलब अगर हम बता रहे हैं सिर्फ कि ये 0.01 से कम होता है वहाँ पे ही सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड होता है, लेकिन ग्रेटर देन 0.01 पे नो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, नॉट वैलिड,
कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और इसमें भी दो कंडीशन आता है, वो सिलेबस में हम लोग का इंक्लूड नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम यहाँ पे नहीं बता रहे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लेमडा बाई एल जब लेस देन 0.01 होगा तो वो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को वैलिड कर रहा है। लेमडा बाई एल अगर ग्रेटर देन 0.01 होगा तो नो नॉट वैलिड होगा। और कहीं पे दे दिया स्लीप फ्लो कंडीशन तो 0.01 से 0.1 के बीच में रहेगा, तो वो वहाँ पे स्लीप फ्लो कंडीशन होता है। ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में डिटेल में चर्चा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या आ जाएगा, मास ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ये आपका कैविटेशन आ गया, आप सरफेस टेंशन आ गया, कैपिलरी ट्यूब आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। ये जितना भी चीज़ हम बोले वो क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, मास वेट ये सब के बारे में जानेंगे, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मास ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। ये सारा चीज़, कंप्रेसिबिलिटी हो गया आपका, कैविटेशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, और ये जितना भी चीज़ है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।